तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेटोनिया प्लांट्स के बारे में। ये भी विंटर के ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि इन प्लांट्स को हम डेड होने से कैसे बचाएं। कई बार कुछ पॉइंट्स, कुछ गलतियों की वजह से प्लांट्स हमारे डेड होने शुरू हो जाते हैं और फ्लावरिंग से पहले ही वो मर जाते हैं। आज हम उन पॉइंट्स को इस छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। पेटोनिया प्लांट्स की ब्रांचेज और फ्लावर्स काफ़ी डेलिकेट नाजुक से होते हैं। इनकी ब्रांचेज को हिलाने से कई बार ये टूट भी जाती हैं। दोस्तों मैंने कुछ पेटोनिया के प्लांट्स घर पर ही इन्हें सीड से मैंने ग्रो किया हुआ था, और इनको हम सीड से कैसे ग्रो करें इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट, तो पेटोनिया प्लांट को आप सैंडी सोल के अंदर ग्रो करें। ऐसा आप सोल मिक्स तैयार करें जिसके अंदर 30-40% क्वान्टिटी सैंड की हो, ताकि जो सोइल है वो वेल ड्रेन्ड बने, उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके। अगर पानी रुका रहेगा तो इनके लीव्स भी कई बार येलो हो जाते हैं। और दोस्तों आप पानी तभी दें जब टॉप सोइल पूरी तरह से ड्राई हो जाए। हल्की हल्की जो नमी इनकी सोइल के अंदर हमें मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है। ज़्यादा मॉइस्चर अगर बना रहेगा तो कई बार फंगस की वजह से प्लांट्स जल्दी ही डेड हो जाते हैं। इस दोस्तों मेन ब्रांच को मैंने प्रून कर दिया था, और प्रूनिंग के बाद कई सारे पॉइंट्स से जो नई ग्रोथ निकल के सामने आई है, इससे प्लांट्स बुशी बनते हैं और मल्टीपल ग्रोथ शो करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग इससे होती है। जब भी दोस्तों आप इन प्लांट्स को पानी दें तो आप इनके लीव्स पर इनका छिड़काव ना करें, या पानी की बुछार आप इनके पत्तों पर ना गिराएं। इससे जो फंगस के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी ब्रांचेस काफ़ी नाजुक डेलिकेट सी रहती हैं और वो काफ़ी आसानी से फंगस को अट्रैक्ट कर लेती हैं। जिस प्रकार दोस्तों ये कुछ पेटोनिया के प्लांट्स हैं, हालांकि इनको मैंने कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट किया था, और रिपोर्टिंग के बाद नीचे वाले जो लीव्स हैं दोस्तों वो बिल्कुल ही इस तरीके से आप देख ही रहे हैं, लटक से गए हैं, डेड से हो गए हैं। रिपोर्टिंग के टाइम या फिर फंगस की वजह से ऐसी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, तो आप ऐसे लटके हुए लीव्स को हटा दें। हालांकि कुछ पॉइंट से नई ग्रोथ भी सामने आ रही है। फंगस से बचाने के लिए आप इन प्लांट्स पर अच्छा फंगिसाइड की स्प्रे भी हर 10 दिनों में एक बार करते रहें, या फिर इनकी पॉटिंग मिक्स के अंदर भी आप फंगिसाइड पाउडर को ऐड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपने प्लांट्स को आउटडोर ग्रो कर रहे हैं और विंटर के दिनों में ज़्यादा ओस गिरने की वजह से कई बार प्लांट्स में भी ये कंडीशन ऐसे आ जाती है, तो आप उस ओस वाले दिनों के अंदर प्लांट्स को थोड़ा इंडोर कर दें और इनको आप डायरेक्ट सन के अंदर ही रखें, ताकि इन प्लांट्स में जो फंगस की प्रॉब्लम कम आए और प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ भी हो। दोस्तों ऐसे कुछ ये पॉइंट्स थे जिनकी वजह से पेटोनिया प्लांट्स डेड हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से अपने प्लांट्स की केयर करें।